हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों यदि आपका बैंक अकाउंट फेडरल बैंक में है तो यहाँ पर फेडरल बैंक की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट यह आया है कि अब आपको यहाँ पर फेडरल बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप में काफ़ी कुछ चेंजेज आ गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेज आया है और आप इसे किस तरह से यूज कर पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर खोल करके आपको सर्च कर लेना है फेडरल बैंक फीड मोबाइल। अपडेट करने के बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेज हो गया है। यदि आप फेडरल बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज़रूर देख लीजिए। चलिए अब हम यहाँ से ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अब यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से अलाउ कर लीजिए। अब यहाँ पे आपके मोबाइल से एक SMS सेंड होगा, जो मोबाइल नंबर आप फेडरल बैंक में दिए हुए हैं वह सिम आपके मोबाइल में लगा हुआ होना चाहिए। यदि आप दो सिम यूज कर रहे हैं तो जो भी मोबाइल नंबर आपका फेडरल बैंक के साथ रजिस्टर्ड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में एक ही सिम है इसमें, तो मेरे यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। यदि आपका दो सिम रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा। जो भी सिम है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको इंटर योर फेडरल बैंक अकाउंट नंबर, आप अपना फेडरल बैंक का अकाउंट नंबर को फिलअप करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर फिलअप कर दिया है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यदि आप पहले से इसको यूज कर रहे थे तो आपके पास यहाँ पर MPIN होगा, तो आप यहाँ पर अपना MPIN फिलअप कर लेंगे। चलिए हम अपना MPIN यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं, जो भी MPIN मेरा था। यहाँ पर हमने MPIN फिलअप कर दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेज आ गया है फेडरल बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में। अब यहाँ पर पहला तो ऊपर में आ गया है, यहाँ पर UPI बनाने के लिए सेंड मनी, भीम UPI, SKN पे और मोर। पहले आपको ये ऑप्शन नहीं था फेडरल बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में। यहाँ पर अपडेट करने के बाद ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, UPI का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। पहले आप फेडरल बैंक का UPI यूज करने के लिए फेडरल बैंक का भीम लोटिया ऐप को इस्तेमाल करते होंगे। अब यहाँ पर आपको फेडरल बैंक के मोबाइल बैंकिंग फीड मोबाइल में ही UPI का यहाँ पे आ गया है फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में मिल गया है व्यू ऑल अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यदि आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है फेडरल बैंक में तो यहाँ पे शो करता है। मेरे केस में एक ही अकाउंट है तो यहाँ पे देख सकते हैं दिख रहा है। यदि आपका दो अकाउंट रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा। चलिए हम बैक चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बैलेंस भी चेक करने के लिए चेक बैलेंस पे क्लिक करके अपना बैलेंस को यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जुड़ गया है सर्विस, ऊपर में सर्विस में है आपको रिचार्ज बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड, फास्टैग या फिर और भी जितने चीज हैं, यहाँ ऑल पे क्लिक करके आप सारे चीज को देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लोन या अदर में आपको गिफ्ट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, इंश्योरेंस या रिलीजियस डोनेशन और एक्सपेंस मैनेजर। अब यहाँ पे है आपको सी वेयर यू स्पेंड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मंथली सेवर पे तो आपका यहाँ पे अकाउंट संबंधित सारी जानकारी होगी, कितना रुपए आपने खर्च किया है। जैसे डैशबोर्ड में है आप यहाँ पर कितना रुपए खर्च किए ग्राफ के अनुसार आपको दिख रहा होगा। यहाँ ग्राफ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल दिखाई देगा, अगस्त से लेकर के जनवरी से लेकर अगस्त तक यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वार्टरली भी देख सकते हैं आपने कितना रुपए कब खर्च किया। जैसे कि मंथली में हम क्लिक करते हैं, अगस्त 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि जब से आपका अकाउंट ओपन हुआ है तब से यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में दिखाई देगा कितना रुपए आप कब खर्च किए हैं और कहाँ पर पेमेंट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो पेमेंट किया है यहाँ पे सारा दिखाई दे रहा है। तो काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पर अकाउंट वाइज भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है बजट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बजट में तो आप यहां से नया बजट बना सकते हैं, जैसे कि ऐड न्यू बजट पे क्लिक कर लेंगे और यहां से जैसे ट्रांसपोर्ट है आपने ट्रांसपोर्ट में कितना रुपए खर्च किया है आप यहां पे टाइप करके सेव कर सकते हैं, या फिर पार्टिकुलर कोई दूसरा चीज भी कर सकते हैं। यहां से पार्टिकुलर दूसरा चीज को भी आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं शॉपिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे शॉपिंग में हमने इस मंथ में कितना रुपये खर्च किया, मान लीजिए 100 रुपये किया है और यहाँ से सेव पे क्लिक कर लेते हैं।
अब यहाँ पे ये सेव हो चुका है, ओके पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप खर्च करेंगे उसका हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बजट पे क्लिक करके अपना हिसाब यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ से आप इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप एडिट करके इसको एडिट करके और यहाँ से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे शॉपिंग पे आप कितना रुपये खर्च किया यहाँ पे आप इसको अपना हिसाब रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है रिपोर्ट, रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या रिपोर्ट दिखाया जा रहा है कि आपने जब से अकाउंट ओपन किया है और अभी तक जैसे अगस्त 2020 से मेरा जनवरी 2021 तक का रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए हम होम पे चले आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन आने वाला है, यहाँ वॉलेट, वॉलेट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिस फीचर इज करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है, ये सर्विस अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, आने वाले भविष्य में ये सर्विस भी चालू हो जाएगा तो हम आपको यहाँ पे अपडेट जरूर देंगे। अब यहाँ पे ऊपर में हम बात करें सेंड मनी, भीम UPI, स्कैन एंड पे और मोर पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे मोर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी मैनेजमेंट के लिए आ गया है, पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए आ गया है, शेड्यूल करने के लिए आ गया है पेमेंट का, और यहाँ पर अकाउंट का समरी भी आ गया है। जैसे कि आप बेनिफिशियरी मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर बेनिफिशियरी को ऐड कर पाएंगे। जैसे कि मेरे केस में देखिए एक बेनिफिशियरी को हमने ऐड करके रखा है तो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया है, आप किसी को पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए UPI पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए आ गया है ऑप्शन आपको। चलिए हम बैक चलते हैं, कोई रिक्वेस्ट अभी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल पेमेंट करने के लिए आ गया है तो हम किस तरह से शेड्यूल पेमेंट करते हैं किसी और वीडियो में बात करेंगे। अकाउंट समरी पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट का समरी देख सकते हैं, जैसे कि मेरे अकाउंट में कितना रुपये बैलेंस है यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा थ्री डॉट पे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। अब पहले से आपको काफ़ी कुछ बदल गया है। पहला तो UPI सेटिंग का ऑप्शन मिल गया है, आप यहाँ से UPI सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा ऐप सेटिंग है, सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल गया है, आप सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करके कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं, जैसे चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 15GH का फॉर्म है, सर्टिफिकेट और यहाँ से स्टेटमेंट का भी आप कर पाएंगे। इसे स्टेटमेंट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट आ चुका है, आपके अकाउंट का स्टेटमेंट कितना रुपये आपके अकाउंट में बैलेंस है। इसके अलावा आप यहाँ से सर्टिफिकेट पे हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे लोन सर्टिफिकेट या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट चाहिए या फिर बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए या TDS सर्टिफिकेट चाहिए, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से बैलेंस सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप डेट टाइप कर सकते हैं या फिर कैलेंडर पे क्लिक करके कैलेंडर से भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं 1 तारीख, ओके पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से डाउनलोड पे हम क्लिक कर लेंगे डाउनलोड। अब यहाँ पे अलाउ हम कर देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है, गो टू डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो डाउनलोड हुआ था इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है बैलेंस सर्टिफिकेट, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। ये PDF के रूप में है तो हम PDF को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जा रहा है, ये पासवर्ड प्रोटेक्ट है तो आपको पासवर्ड क्या फिलअप करना है। पासवर्ड में आप अपना जो भी अकाउंट में नाम है आपका वह नाम का पहला 4 अक्षर कैपिटल में टाइप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आप क्या टाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपका 5/1/1990 है तो आप 05/01 टाइप करेंगे। यहाँ पर हमने पासवर्ड टाइप कर दिया है, ओपन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर ये आपका बैलेंस सर्टिफिकेट है तो इस तरह से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे लोन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर TDS सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम बैक चलते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर UPI का यूज कैसे करेंगे, अपना UPI ID बनाएंगे कैसे, तो आने वाले वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।